नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में जारी एनकाउंटर की बात सबसे पहले, क्योंकि सुरक्षा बल के जवानों ने अवंतीपुरा में हिजबुल के मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नायकों को घेर लिया है। एनकाउंटर में अब तक एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। हिजबुल आतंकी रियाज नायकों समेत 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जवानों ने कल शाम इस इलाके को घेरा था। जवानों से घिरने के बाद आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर सुरक्षा बलों के जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। हाल के दिनों में कश्मीर में हुआ यह तीसरा बड़ा एनकाउंटर है। एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन अभी भी वहां पर 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। ये एनकाउंटर अभी भी जारी है अवंतीपुरा इलाका। और बड़ी खबर जो यहां से निकल कर आ रही है, हिजबुल कमांडर रियाज नायकू के यहां पर घेरे जाने की खबर है। सूचना मिली थी कि यहां पर आतंकी छिपे हैं इस इलाके में, और उसके बाद सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे, जवानों ने इस इलाके को घेरा। और जानकारी के साथ इस वक्त अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, रियाज नायकू के घिरे होने की यहां पर खबर है, यह अपने आप में कश्मीर में बीते दिनों में हुआ तीसरा बड़ा एनकाउंटर है, अभी तक जारी है, क्या इस पर और डिटेल्स अभी आपके पास है? अभी तक फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से रियाज नायकू को मारने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे साथ बातचीत में माना है कि रियाज नायकू, जो कि नंबर वन माना जाता है, हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर है। यहां तक कि यहां कहें बुरहान वानी के मारे जाने के बाद वो हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल चीफ बना था, और उसी तरह लगातार कहीं ना कहीं जो है पोस्टर बॉय भी हिजबुल मुजाहिदीन का था। रियाज नायकू लगातार अपने समर्थकों के साथ संपर्क में रहता था। वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपने जो भाषण है वीडियो मैसेजेस के जरिए या फिर वॉइस मैसेजेस के जरिए सोशल मीडिया पर डालता था, और उसके लोग उनको सुनते थे। सुरक्षा बलों को काफ़ी करीब 2 साल से, जब से बुरहान वानी मारा गया है तब से रियाज नायकों की तलाश थी, लेकिन कई जगहों पर वो ऑपरेशंस में चकमा देकर वहां से भाग निकलने में कामयाब होता था। लेकिन कल शाम को जूं ही सुरक्षा बलों को खबर मिली कि बेगपोरा, जो कि पुलवामा ज़िले में आता है, वहां पर वो गया है, तो उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आज सुबह तलाशी अभियान शुरू हुआ। ये बड़ी खबर अशरफ आप यहाँ पर दे रहे हैं, मैं डिटेल्स आपसे इस पर और आगे लेती रहूंगी, क्योंकि एनकाउंटर अभी भी जारी है, वहां पर सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि कोरोना के आंकड़े जो बढ़े हैं जिस तेजी के साथ में, वो वाकई इस वक्त बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। मरीजों की संख्या हालांकि अगर तुलना करें तो उस लिहाज से कम बढ़ी है, लेकिन 2900 संक्रमित बढ़े थे पहले, जबकि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 3000 केस बढ़े हैं। अब भारत में कोरोना के मामले 49,000 से ज्यादा हो गए हैं। कल के मुकाबले कोरोना से मौत के आंकड़े में 126 का इजाफा हुआ। हालांकि अच्छी बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या 14,000 के पार हो गई है। एक दिन में 1450 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। अब आपको अगर राज्यवार स्थिति हम बताएं यहाँ की कि किस तरह से जो है तस्वीर दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र में केसेस सबसे ज्यादा अभी भी बने हुए हैं, 15,000 के ऊपर ये केसेस, और अकेले मुंबई की अगर बात करें, आर्थिक राजधानी देश की, 9,000 से ज्यादा केसेस वहां पर है। गुजरात की तस्वीर देखिए, 6,245 मामले, 368 लोगों की मौत हुई है, और तीसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर 5,000 को भी ये आंकड़ा पार कर चुका है। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी आप देख रहे हैं। बढ़ते हैं, अगर अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें, जब शराब के ठेके खुल चुके हैं तो ऐसे में भीड़ किस तरह से बढ़ी है, और उसे लेकर क्या अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों में मिल रही हैं। इससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं हाथ अपने, ये भी एक किस्म की दवाई है, शराब से सैनिटाइज करेंगे। सर हमने गिफ्ट देना है किसी को, कई जगह नंबर ही ना आए क्या करे, वापिस चला गया, पुलिस वाला डंडा मारे, अपाहिज आदमी के भी डंडा मारेगा तो क्या होगा। तो लॉकडाउन 3.0 का आज तीसरा दिन है, और शराब की दुकानों पर लंबी लाइन आज भी दिख रही है। दिल्ली में सुबह सुबह शराब की तलाश में लोग निकले। विश्वास नगर, कृष्णा नगर, गोल मार्केट की तस्वीरें देखिए, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइंस लगी हुई हैं। दिल्ली के नजदीक
हरियाणा में भी गुड़गांव में जाम की तलाश खत्म हो गई है। आज यहां पर दुकान खुलते ही लंबी लाइन दिखाई दी। तो पंजाब सरकार छत्तीसगढ़ फॉर्मूला अपनाते हुए कल से शराब की होम डिलीवरी शुरू करेगी। अब शराब को लेकर के ठेके खुले लगभग 3 दिन हो गए हैं, लेकिन लाइन तो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तस्वीर आपको दिखाऊं, गोल मार्केट पे जहां मैं खड़ा हूं, ये ठेका है, आज खुला है, दुकान यहां खुली है। और इसके पहले कि बिक्री शुरू हो, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि ITBP बुलानी पड़ गई है। जी हाँ, शराब के ठेके के बाहर दिल्ली में ITBP लग गई है बंदोबस्त में। लेकिन तस्वीर दरअसल ये है कि पुलिस इस बंदोबस्त में लगी है कि जैसे दूसरी जगहों पर कई सारी खबरें आईं अव्यवस्था की, वो ना फैले। तो उसके लिए सबसे पहले व्यवस्था क्या वो दिखाते हैं। ये जो शराब का ठेका है उसके बाहर यहाँ ये लंबे लंबे जो है ये गोले बनाए गए हैं और ये लगभग 1 किलोमीटर लंबे बनाए गए हैं। तो जो मालिक हैं जिनकी ये दुकान है उनसे पूछ लेते हैं कितना लंबा है ये, कहाँ तक आपने बंदोबस्त किया है। ये हमने 1 किलोमीटर तक का बंदोबस्त किया है। हाँ, और इसके बगैर में हमें सैनिटाइजर भी रखा हर पब्लिक के लिए, और उसके बाद हमने जो है टोकन सिस्टम कर रखा है। इस वक्त हम दिल्ली के झील इलाके में मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए पुलिस की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो हो रही है। सिस्टम को खराब मत कीजिए, जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया वही वही लागू रहेगा। यहाँ पर आप हालात देखिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की हिदायत दी जा रही है, लेकिन लोग जो है यहाँ पर आप देखिए मान नहीं रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक तरह से कहा जाए जहाँ एक सर्कल में एक शख्स होना चाहिए दूसरे सर्कल में दूसरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल के बीच में भी लोग खड़े हैं, यानी जो डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। पुलिस भी मौजूद है, अनाउंसमेंट बार बार कर रही है, लेकिन लोग जो है वो एक तरह से यहाँ नहीं मान रहे। कोरोना वायरस फैले और ऐसे में अगर ये हालात रहेंगे तो निश्चित रूप से कई सवाल खड़े होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कल, आप तो सर्कल में नहीं है, सर्कल में खड़े हुई सर, सर्कल पे ही है, जो गोलदारे में जो बंदे खड़े हैं उनको शराब नहीं मिलती। मैं मौजूद हूँ विश्वास नगर के शराब की दुकान के पास और आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि फिर से कल की तरह ही सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो दिखनी शुरू हो गई। आप देखिए कितनी भीड़ हो गई है सुबह के सुबह, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो फॉलो करना जो है अब लोग भूल गए हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार जिस तरह से भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है शराब की दुकानों पे, आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो जो है वो नहीं कर रहा है। सबको बहुत जल्दी है कि किसी तरह दुकान खुले और उनको शराब मिल जाए। आप मुझे बताइए कि दिल्ली में कोरोना फैला हुआ है, शराब जरूरी है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी तो जरूरी है। सर इससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं हाथ अपने, ये भी एक किस्म की दवाई है। अरे शराब से आप सैनिटाइज करेंगे? हाँ जी, शराब से सैनिटाइज करेंगे। आप कितने बजे आए हैं? सर मैं 5 बजे आया था सुबह। हाँ जी, शराब की दुकानें खुली तो देखिए साइड इफेक्ट्स भी इसका दिखने लगा है। फरीदाबाद में नशे में गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति ने कार घर में घुसा दी, तो दिल्ली और लखीमपुर में भी हादसे नजर आए। हैरानी तो ये है कि जयपुर में नशे में डॉक्टर पानी की टंकी पर जा चढ़ा। फरीदाबाद की तस्वीर भी देखिए, कैसे नशे में ड्राइवर ने कार से दीवार को तोड़ते हुए घर के अंदर दाखिल हो गया और नशे की हालत में ये एक्सीडेंट हुआ। अब ऐसी तस्वीरें वाकई आगे आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी होंगी इसे लेकर कंसिडरेशन में ये तस्वीरें जरूर होंगी। यूपी के लखीमपुर में शराब के सेवन के बाद अजीब नजारा देखने को मिला। जरूरी सेवाओं में लगी कार वाले सज्जन नशे में धुत होकर कई गाड़ियों में टक्कर मारते हैं। इतनी दारू कहाँ से पी के आए हो? दारू इतनी काहे पिए हो भाई? गाड़ी तुम्हारी है? गाड़ी तुम्हारी है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ क्या है तुम्हारा? अग्रवाल। मनोज अग्रवाल नाम है तुम्हारा? अच्छा, तो अभी कितने लोगों को कहे तुमने? डिजायर में लड़ाया, इधर लड़ाया, उधर लड़ाया। कहाँ जा रहे थे, किस काम से निकले थे? घर जा रहे थे। निकले किस काम से थे? आजी भट्टी खुली, आजी दारू पी लिया कसके। क्यों? पहले कोरोना हटा के उसको बाद हम देश को बचाएंगे।
पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई में फायदा कोरोना को हो रहा है और नुकसान वहां की जनता उठा रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस राज्य में कोरोना की रफ्तार बेहद कम थी, वहां अब कोरोना मीटर फुल स्पीड से भाग रहा है। देश के किसी भी राज्य की तुलना में कोरोना से मरने वालों की दर पश्चिम बंगाल में कहीं ज्यादा है। पश्चिम बंगाल से निकलने से पहले उस टीम ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें राज्य में खराब इंतजाम को दिखाया गया है। उस चिट्ठी को टीम के मुखिया और भारत सरकार के विशेष सचिव अपूर्व चंद्रा ने लिखा है कि राज्य सरकार ने अलग अलग समय पर मरने वालों और कोरोना मरीजों का जो ब्यौरा दिया है उनमें बहुत फर्क है। इस केंद्रीय टीम का कहना है कि राज्य में कोरोना की मृत्यु दर 12.8% है, जो किसी भी राज्य से ज्यादा है। ये अत्यधिक उच्च मृत्यु दर राज्य में बेहद कम टेस्टिंग होना और कोरोना मरीजों की निगरानी और ट्रैकिंग की कमजोर व्यवस्था के कारण है। यहाँ की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा, देश में 4-4.5% है, दुनिया में 6-7% है, यहाँ 13-14% है मृत्यु दर। क्यों? इसको छिपाया जा रहा है। कहाँ तो तय था कि कोरोना से लड़ेंगे और कहाँ आपस में लड़ बैठे। केंद्रीय टीम के आरोपों पर ममता के सांसद ने सीधे केंद्र पर हमला बोल दिया। Why should we hide? There is no question of hiding anything. Everything is being disclosed. Every inch is being disclosed before the common public. वैसे अगर पिछले 5 दिनों में प्रदेश का हाल देखें, तो पश्चिम बंगाल से आंकड़े दहलाने वाले आ रहे हैं। 1 मई को कोरोना मरीजों की संख्या 623 थी और मरने वालों की 33। 2 मई को आंकड़े में कोई फर्क नहीं आया। 3 मई को मरीजों की संख्या 738 हो गई, लेकिन मरने वालों की संख्या 33 ही रही। 4 मई को मरीजों की संख्या बढ़कर 777 हुई और मरने वाले भी 2 और बढ़कर 35 हो गए। लेकिन 5 मई को जहां मरीजों की संख्या 908 हुई, वहीं मरने वालों की संख्या अचानक बढ़कर 133 हो गई। लेकिन राज्य में कोरोना के इस जानलेवा संक्रमण पर एक टीम की जगह काम करने के बजाय केंद्र और राज्यों की जोर आजमाइश जारी है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अहमदाबाद अभी बना हुआ है। 24 घंटे में 39 लोगों ने यहां पर दम तोड़ा है, तो वहीं राजस्थान में वायरस सीएम आवास तक जा पहुंचा है। गुजरात के लिए इस बार का मंगल बेहद अमंगल साबित हुआ। बीते 24 घंटे में 49 मरीज वायरस से जंग हार गए। इस दौरान गुजरात में कोरोना मीटर ऐसे भागा कि 24 घंटे में 441 नए लोगों को बीमार कर दिया। राज्य में अब तक मरीजों की संख्या 6245 तक पहुंच गई है। सूबे में कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम अहमदाबाद में मचाया है, जहां केवल मंगलवार को 39 लोगों की मौत हो गई और 349 नए मरीज सामने आ गए। रात में भी आज 441 जितने पॉजिटिव केसेस आए हैं। आज कुल 186 जितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं और जो क्योर यानी कि जो लोग डिस्चार्ज होके अच्छे होके वापस घर गए हैं, इसकी डेटा आज देखें तो 22.11% लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अच्छे होके वापस घर गए हैं। हालत यह है कि अहमदाबाद के नगर निगम के कमिश्नर विजय नेहरा को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ा है। फील्ड में ड्यूटी के दौरान वो एक मरीज के संपर्क में आ गए थे। कोरोना ने मंगलवार को राजस्थान में भी रिकॉर्ड बनाया, जहां एक दिन में सबसे ज्यादा 12 मौतों का आंकड़ा दर्ज हुआ। मंगलवार को राजस्थान में 97 नए मरीज मिले, जिनमें 25 सिर्फ जयपुर के हैं। राज्य में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 3150 की पार हो चुकी है, जबकि 89 लोग जान गंवा चुके हैं। यहां कोरोना का खौफ सीएम आवास के बेहद करीब पहुंच गया है। मुख्यमंत्री आवास का ड्राइवर संक्रमित पाया गया है, हालांकि उम्र दराज होने के कारण उसे पहले ही छुट्टी पर भेज दिया गया था। ड्राइवर को कोरोना संक्रमित होने के बाद बजाज नगर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूपी में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने योगी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में 118 नए मामलों के साथ मरीजों की संख्या 2880 तक जा पहुंची है, जिनमें 1152 मरीज
तबलीगी जमात के हैं। राज्य के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर हैं आगरा में 640 केस, कानपुर में 276 केस, लखनऊ में 231 और नोएडा में 193 मरीज हैं। हालांकि प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए दिन रात काम पर जुटा है। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए, जल्दी आप स्वस्थ होंगे। और क्योंकि हमारे जनपद में करीब 50 के आसपास जो कोरोना पॉजिटिव लोग थे वो स्वस्थ होकर के यहाँ से जा चुके हैं, आप भी जल्दी स्वस्थ शीघ्र होंगे। प्रशासन की कोशिश है कि मरीजों का मनोबल ऊंचा रखा जाए ताकि कोरोना को जल्दी मात दी जा सके। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे लगातार कोरोना पीड़ित मरीजों से फोन के जरिए बातचीत करते हैं। दरअसल डीएम अजय शंकर पांडे का मानना है कि फोन से बातचीत करने पर जो मरीज हैं उनका मनोबल बढ़ा रहेगा, साथ ही उनको कोरोना के बारे में पूरी तरह जानकारी भी वो फोन पर देते हैं। अजय शंकर पांडे का मानना है कि इससे जो मरीज हैं जो परेशान हो रहे हैं लगातार उनको कहीं ना कहीं ढांढस बंधा जाता है। कोरोना की जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सावधानी ही बचाव है, तो आप भी सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। अहमदाबाद से गोपी घांगर, जयपुर से शरद के साथ, गाजियाबाद से पुनीत शर्मा। आज तक कोरोना की वजह से मुंबई बैकफुट पर दिखाई दे रही है। एक दिन पहले दुकान खोलने की इजाजत दी गई लेकिन 24 घंटे के बाद ही ये परमिशन वापस ले ली गई। बीएमसी ने साफ कह दिया कि मुंबई में अगले आदेश तक अब सिर्फ दवा और राशन की दुकानें खुलेंगी, शराब की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। कोरोना पर काबू पाने की तमाम कोशिशों पर ये तस्वीरें पलीता लगा रही हैं। माया नगरी में जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो लोग मदिरा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, लिहाजा अब बीएमसी ने शराब की दुकानों पर फिर से ताला लगाने का हुक्म सुना दिया है। इसके अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानों को दी गई ढील भी वापस ले ली गई है। मुंबई में अब सिर्फ राशन और दवा की दुकानें ही खुलेंगी। हम इस वक्त मौजूद हैं भिवंडी थाने के बीच के एक ग्रामीण इलाके में जहां पर एक शराब की दुकान खुली हुई है। वहां पर आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कतार दोनों ही तरफ, दुकान की दोनों ही तरफ लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ चुकी हैं, किसी भी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर मेंटेन नहीं की जा रही है। लोग 4-5-6 घंटे से इस कतार में खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि वो शराब यहां से खरीद सके। बीएमसी ने ऐसा फैसला मुंबई में कोरोना के तेज होते हमले के मद्देनजर लिया है। बीते 24 घंटे में मुंबई में 26 मरीजों की मौत हो चुकी है जबकि 635 नए मरीज सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 10,000 पहुंचने वाली है, 387 मरीजों की जान जा चुकी है। मुंबई के लिए बड़ी टेंशन एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी बस्ती धारावी रही है। यहां एक दिन में 33 नए मामले सामने आए हैं जबकि अब तक धारावी में 665 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर 15,000 को पार कर चुका है जबकि वायरस 617 लोगों की जान ले चुका है। मुंबई में कोरोना के खतरे को देखते हुए कल्याण डोंबिवली नगर पालिका ने आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों की आवाजाही पर 8 मई से बैन लगाने का फैसला किया है। नवी मुंबई महानगर पालिका पहले ही आवाजाही पर रोक लगा चुकी है। कोरोना वायरस ने मुंबई पुलिस को अपनी जकड़ में ले लिया है। राज्य में अब तक 400 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हो चुके हैं। भारत ने बीते कुछ वर्षों में आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आर्टिकल 370 खत्म करना, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम भी भारत ने उठाए। इसीलिए पाकिस्तान को आतंक फैलाने के अपने काम में अब पहले से ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है। पिछले साल अक्टूबर से कश्मीर में द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक नया आतंकी संगठन सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। कश्मीर में लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के मुकाबले कहीं ज्यादा चौंकाने वाली करतूतें टीआरएफ की सामने आई। टीआरएफ ने अब तक 13 हमले किए हैं जिनमें 10 गंभीर हमले शामिल हैं। टीआरएफ का नाम
सबसे पहले अक्टूबर 2019 में सुना गया। श्रीनगर के हरी सिंह इलाके में 12 अक्टूबर को सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसमें 7 नागरिक भी घायल हुए थे। 12 अक्टूबर 2019 को सुरक्षा बल पर ग्रेनेड हमला करने के अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को बडगाम में एक कम तीव्रता के ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली। अक्टूबर 2019 से 10 मार्च 2020 के बीच टीआरएफ ने 10 हमलों की बात स्वीकार की, लेकिन ये सारे हमले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। टीआरएफ का पहला बड़ा हमला 5 अप्रैल को कुपवाड़ा में हुआ। टीआरएफ के आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के 5 एलीट पैराफोर पैराट्रूपर्स की जान गई। हालांकि टीआरएफ ने बयान में दावा किया कि 18 भारतीय पैराट्रूपर्स की जान गई है और 6 अन्य गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। 18 अप्रैल को टीआरएफ ने उत्तरी बडगाम के सोपोर में फिर हमला किया। आतंकी ने फिरन में छुपाई बंदूक से हमला किया, जिससे सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए और 3 जख्मी। सुरक्षा बल मान रहे हैं कि टीआरएफ एक नया संगठन है, लेकिन उन्हें आशंका है कि इसे लश्कर ने ही खड़ा किया है। हालांकि टीआरएफ अपने बयान में खुद को स्वतंत्र बताता है और लश्कर या किसी अन्य संगठन से संबंध खारिज करता है। पाकिस्तान, आईएसआई, उनकी आर्मी और टेररिस्ट ग्रुप पूरी लड़ाई हार गए हैं। स्पेशली 5 अगस्त पिछले साल के बाद में उनका खेल पूरा खत्म हो गया है। उनके हर एक फ्रंट के ऊपर में, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, इकॉनमी हो, गवर्नेंस हो, FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसने और पूरा विश्व ने उनके ऊपर में एक खास दबाव डाला हुआ है। वो हर एक साइड से घिर चुके हैं और उनका जो पुराना नैरेटिव था, पुरानी कहानी थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। तो इन्होंने ये एक नया नाम रखा है, लेकिन जो इंटेंशन है, जो एक बुरी नीयत और नीति जो बुरी है, वो बिल्कुल सेम है, उसी को रीपैकेज किया है। टीआरएफ खुद को लश्कर, हिजबुल जैसे संगठनों से भले ही स्वतंत्र बताए, लेकिन हाल ही में हिजबुल के ऑपरेशनल कमांडर रियाज नायकू के एक ऑडियो संदेश में टीआरएफ का जिक्र हुआ था। टीआरएफ ने अब तक जितने हमले किए, उनमें से 80% ग्रेनेड से किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर्स हमलों में शामिल हो सकते हैं। वैसे अभी ये साफ नहीं है कि टीआरएफ में सिर्फ स्थानीय हैं या पाकिस्तान के आतंकी भी। इन्होंने सोचा कि इसको इंडिजिनियस मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर में पाकिस्तानी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो शामिल हैं। पाकिस्तान का पूरा खेल, पूरा नैरेटिव और पूरी कहानी थी जो प्रॉक्सी के ऊपर में, वॉयलेंस, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर में जो निर्भर थी, वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई। ये मैं तो बोलूंगा कि उस कहानी का जो अंत है वो एक शेप ले रहा। धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की कि दुनिया के किसी मंच पर कोई उसकी बात सुन ले भारत के खिलाफ, लेकिन हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ी। अब अगर आप द रेजिस्टेंस फ्रंट को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको उसी परिपेक्ष में इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि यह केवल मुखौटा है। आतंक का चेहरा वही पुराना है, चाहे उसे लश्करे तैयबा के नाम से जाना जाए या फिर जैश मोहम्मद के चश्मे से देखा जाए, लेकिन द रेजिस्टेंस फ्रंट के जरिए पाकिस्तान की कोशिश यह है कि वो दुनिया को यह दिखा सके कि ये तो एक स्थानीय संगठन है जो वहां के युवाओं के जरिए पनपा है, जबकि असलियत कुछ और है। अब तक टीआरएफ से जुड़े 8 आतंकी मारे गए। टीआरएफ से जुड़े 8 ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार भी हुए हैं। वैसे टीआरएफ ने अभी अपने आतंकी भर्ती अभियान का ऐलान नहीं किया है। इसका इकलौता सक्रिय कमांडर हमजा नाम से जाना जाता है। श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर पाकिस्तान को संगठन का नाम क्यों बदलना पड़ा? आखिर टीआरएफ के पीछे सच क्या है? और इसके मौजूदा हालात को देखते हुए पूरे प्लान के साथ तैयार किया गया ताकि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री को बचा सके। एक और दुनिया कोरोना से लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की पुरानी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जिसे ना ही अपने नागरिकों की चिंता है और ना ही इंसानियत की, उसे बस आतंकवाद का वायरस पालना है, जिसके निशाने पर कश्मीर है, जहां ऐसे हालातों में भी वो दहशतगर्दी फैलाने से नहीं चूक रहा। दुनिया भर में बदनाम हो चुका पाकिस्तान अब आतंक के वायरस को नए नाम से बेच रहा है, टीआरएफ। इसकी वजह भी समझ लेते हैं। पुलवामा हमले के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर फजीहत हुई। भारत ने जब पाकिस्तान की पोल खोली तो कंगाल हो गया मुल्क
कटोरा लेकर दुनिया के सामने हाथ फैलाने लगा, लेकिन कोई पाकिस्तान को भीख तक नहीं देना चाहता था, क्योंकि दुनिया जानती है कि ये पैसा वो इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इस्लामाबाद के साथ दिक्कत ये थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव उस पर था, वो पहले से ही ग्रे लिस्ट में था, उसके पास कुछ महीनों का ही समय था, उसे FATF की शर्तों का पालन करना था, वरना वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता। पाकिस्तान को हर हाल में इससे बचना था, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में जाने से उसकी पहले से ही बदहाल अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती और देश कंगाल भी बन सकता था। ऐसे में अब आतंकी संगठनों पर काफी दबाव था। वही हैं जो पहले थे, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, JEM हो, अल बदर हो, उसी को रीपैकेज किया है और ये चलाकी करने की कोशिश की है कि इसके अंदर में कोई धर्म का नाम नहीं है। इसमें इंग्लिश का वर्ड यूज किया है, रेजिस्टेंस फ्रंट, ताकि ये इंटेलेक्चुअल्स को बहका सके, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ISI टेररिस्ट ग्रुप का सदा ही जो खेल रहा है वो डिनाइबिलिटी के ऊपर में, लाई के ऊपर में, प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रहा है। यही वजह है कि TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का ये संगठन तैयार किया गया। इसका नाम कुछ इस तरह रखा गया कि इसका संबंध पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ना लगे, ना ही इसमें इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाने की बू आए। यही वजह है कि TRF की तरफ से जारी अब तक के बयानों में इस्लाम का जिक्र नहीं होता, बल्कि ये फ्रंट भारतीय सेनाओं और हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर की जंग की बात करता है। हमारे लिए वो टेररिस्ट हैं और उनको समाप्त किया जाएगा, उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और एलिमिनेट किया जाएगा। आपने देखा है कि किस एक्साइटमेंट के साथ में ये जो हंडवाड़ा में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है और उसके बाद में जो CRPF के नाके के ऊपर में भी हमला किया है, एकदम उसको क्लेम करने के लिए दौड़े हैं। ये ऑनलाइन काफी एक्टिव है, सोशल मीडिया में एक्टिव है और ये रेडिकलाइजेशन का ही एक अगला कदम है। इस आतंकी संगठन की रणनीति स्थानीय युवाओं को आतंक के रास्ते में ले जाना है, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी शामिल ना हो, ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि कश्मीर के लोग हथियार उठा रहे हैं जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए संगठन ने अनुच्छेद 370 में बदलाव और अनुच्छेद 35A को हथियार बनाया है, जिसके आधार पर वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। वैसे नाम का खेल लश्कर के लिए नया नहीं है, पहले भी दुनिया के दबाव में आने के बाद हाफिज सईद ने लश्कर का नाम बदलकर जमात-उद-दावा किया था। FATF इस साल जून में पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग से 27 बिंदुओं पर लिए एक्शन की समीक्षा करने वाला है। हालांकि माना जा रहा है कि FATF की बैठक कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए टल सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ जून 2018 से निगरानी बढ़ा दी गई है। अगर पाकिस्तान 27 बिंदुओं को पूरा करने में असफल रहता है तो FATF उसे काली सूची में डाल सकता है। ऐसे में पाकिस्तान वो सारे हथकंडे अपना रहा है जिससे उसको मिलने वाला पैसा ना रुके, लेकिन आतंकवाद पर कार्रवाई करने से बच रहा है। श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया के तमाम देशों के दिमाग में इस वक्त लोगों की जान और अर्थव्यवस्था दोनों को बचाने की चिंता है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपने 21,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की जान बचाने की बजाय आतंक फैलाने में जुटा हुआ है, जिसे वेंटिलेटर से ज्यादा AK-47 में दिलचस्पी है। वैक्सीन ढूंढने की बात नहीं हो रही, लेकिन रात में छिपकर LOC पर गोले बरसाने में देश जुटा हुआ है। पाकिस्तान को आतंकवाद की लत है और इसका इलाज जरूरी है। उनका सपना था, वो हमेशा कहते थे इस वर्दी को और जिस यूनिट को मैं कमांड कर रहा हूँ इस पे कभी कोई उंगली ना उठाए, इसकी कभी इज्जत कम ना हो जाए। भारत खुशनसीब है कि शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा जैसे वीर उसकी मिट्टी में जन्मे हैं।
लेकिन शहीद आशुतोष शर्मा जैसे वीरों के लहू की कीमत आखिर कब तक चुकाएगा भारत? क्या आतंकवाद का लॉकडाउन नहीं हो सकता? क्या आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान की दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती? रविवार को अंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के कर्नल आशुतोष, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश, लांस नायक दिनेश और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर काजी पठान ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो सोमवार को सीआरपीएफ के तीन वीर शहीद भी आतंकवाद की आग में झुलस गए। कांस्टेबल संतोष मिश्रा, कांस्टेबल चंद्रशेखर और कांस्टेबल अश्विनी यादव की भी हंदवाड़ा आतंकी हमले में जान चली गई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कीमत भारत तीन दशकों से चुका रहा है, जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है तब भी भारत की लड़ाई आतंक के वायरस से भी। अकेले अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 29 है। 2020 में अब तक 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि अप्रैल में जब कोरोना का अब तक का सबसे मुश्किल वक्त बीता तब पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने सबसे ज्यादा आतंक फैलाने की कोशिश की। सम पीपल आर बिजी स्प्रेडिंग अदर डेडली वायरसेस सच एज टेररिज्म, सच एज फेक न्यूज एंड डॉक्टर्ड वीडियोस टू डिवाइड कम्युनिटीज एंड कंट्रीज। आतंकवाद से बने हालात गंभीर हैं, इसीलिए गुट निरपेक्ष देशों की वर्चुअल समिट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की मौजूदगी में आतंक के वायरस पर प्रधानमंत्री मोदी को दो टूक बात करनी पड़ी। जबकि सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान खुद कोरोना से बुरी तरह जूझ रहा है। वहाँ 21,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। विदेशी मदद के बिना पाकिस्तान की गाड़ी चल नहीं सकती, ये बात भी उसे अच्छी तरह पता है। 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब वो दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इस मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेड़ी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे और इनके पास क्या वसाइल होंगे कि ये दो हफ्ते तक घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। कोरोना की मार झेलने के बावजूद आतंक के वायरस को बढ़ाने का पाकिस्तान का नजरिया नहीं बदला, तो इसकी पहली वजह तो यही है कि आतंकवाद उसका DNA है, और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि वहां के हुक्मरान इसी के बूते कोरोना के सवाल दबा देना चाहते हैं। जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का भले ही चीन ने दावा कर दिया हो, लेकिन वो अमेरिका से डरा हुआ है। एक आंतरिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि कोरोना की वजह से अमेरिका के साथ टकराव बढ़ सकता है। रिपोर्ट में चीन विरोधी लहर तियानमेन स्क्वायर के बाद से सबसे ज्यादा खतरनाक बताया गया है। घबरा गया है ड्रैगन, परेशान है चीन। अमेरिका के लगातार हमले से पसोपेश में है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान और अमेरिका ही नहीं, कोरोना के संक्रमण काल में पूरी दुनिया ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। And we are not happy with China. We are not happy with that whole situation because we believe it could have been stopped at the source. It could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world. And we think that should have happened. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigation. आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी रिपोर्ट
जिससे चीन डरा हुआ है। ये रिपोर्ट इशारा करती है कि किस तरह कोरोना काल में चीन को अपनी तबाही साफ नजर आ रही है। बीजिंग के लाल गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन के खिलाफ लहर तेज है। इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को चीन की संस्था CICIR ने ही तैयार किया है, जो सुरक्षा मंत्रालय से जुड़ा एक थिंक टैंक है। चीन की संस्था CICIR की रिपोर्ट में कई ऐसे दावे किए गए हैं जिससे शी जिनपिंग की नींद उड़ गई है। इस रिपोर्ट को पिछले महीने ही तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1989 के तियानमेन स्क्वायर के बाद जिस तरह चीन के खिलाफ पूरी दुनिया एक हो गई थी, उससे भी कहीं ज्यादा चीन विरोधी लहर कोरोना की वजह से हो गई है। ऐसे हालात में इस रिपोर्ट में चेताया भी गया है कि अमेरिका के साथ टकराव के लिए चीन को तैयार रहना चाहिए। चाइना के एक प्रमुख थिंक टैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के माध्यम से चाइनीज लीडरशिप के सामने एक रिपोर्ट पेश की है, और उस जो पेश जिनको की गई है उसमें जीपेंग भी शामिल है, जिसमें 4-5 मुख्य चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहले कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया आज चाइना के खिलाफ हो गई है। दोनों ग्लोबल पास जो सुपर पास हैं, चाइना और अमेरिका के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन भी हो सकता है। इससे बीजिंग की सरकार बड़े पैमाने पर चिंतित है, जबरदस्त प्रोपेगेंडा कर रही है इससे अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐसे किसी भी रिपोर्ट की जानकारी होने से इनकार किया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष सामने आया हो। हांगकांग, ताइवान और दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्रों को लेकर भी अमेरिका और चीन आमने सामने रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भी चीन की बाहें मरोड़ने के लिए दक्षिण चीन सागर में जापान और अमेरिका ने साझा सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका में कोरोना की वजह से 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और यह आंकड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए सीधे सीधे चीन को जिम्मेदार बता चुके हैं, और इस अंदरूनी रिपोर्ट ने सिर दर्द और बढ़ा दिया है। अगर चीन की अंदरूनी हालत की वजह से कोरोना वायरस को लेकर उनकी अमेरिका के साथ कोई कन्फ्रंटेशन होती है, चाहे वो आर्थिक मामलों में हो, चाहे वो मिलिट्री की भी हो सकती है, जैसे रिपोर्ट चाइना की इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने निकाली है, भारत भी इस बात से खुश होगा या ना खुश नहीं होगा कि अगर चीन में कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है जिससे उसमें कोई कमजोरी आए। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन आर्टागस ने चीन पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा, चीनी अधिकारियों को कोरोना वायरस के बारे में बताने की विशेष जिम्मेदारी थी। चीन के आंतरिक रिपोर्ट में डर जताया गया है कि कोरोना वायरस से हो रहे मौत की वजह से चीनी विरोधी भावना चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश परियोजनाओं के लिए ईंधन का विरोध कर सकती है, वॉशिंगटन क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए वित्तीय और सैन्य समर्थन को बढ़ा सकता है, जिससे एशिया में सुरक्षा स्थिति अस्थिर हो सकती है। और रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि अमेरिका के साथ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होने के भी चांसेस हैं। ये रिपोर्ट कितनी सच है, लेकिन पूरे तरीके से झूठ भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोरोना वायरस की जो पहल जिसका ओरिजिन हुआ है वो अमेरिका के हिसाब से अभी भी, कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप के हिसाब से अभी भी, कि वो व्यूहान की एक प्रयोगशाला में गलती से हुआ था। 3 दशक पहले भी तियानमेन के बाद अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चीन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि चीन पहले से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन चीन फिलहाल कोरोना के जाल में फंस गया है। चीन लगातार दुनिया को सफाई दे रहा है कि उसके वुहान लैब से नहीं निकला है कोरोना वायरस। चीन की इस बात को आज दुनिया की ताकतें मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने WHO पर चीन का साथ देने का आरोप मढ़ दिया। If you look at timelines, you got to look at some timelines, but the World Health Organization, just like the World Trade Organization, I'm telling you, I call them, they have been treating the United States for decades so badly, and they've been so in favor of China.
China took off when it joined the World Trade Organization. इस बीच दुनिया की दूसरी ताकतों ने भी चीन की तरफ आंखें तरेर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वायरस की उत्पत्ति और उसके प्रचार के लिए अंतरराष्ट्रीय जांच का आह्वान किया। पिछले महीने फ्रांस ने चीन के राजदूत को फटकार लगाई। अमेरिका के एक ग्रुप ने चीन पर 20 ट्रिलियन डॉलर का जुर्माना मांगा। ब्रिटेन के थिंक टैंक ने कोरोना वायरस को छुपाने के लिए चीन पर 6.6 ट्रिलियन डॉलर की मांग की। जर्मनी ने कोरोना से हुए नुकसान के लिए चीन को 165 बिलियन डॉलर का बिल थमा दिया। चीन का खुफिया समुदाय उस शीत युद्ध की तरह देख रहा है जब रूस और अमेरिका आमने सामने थे। चीन की अंदरूनी रिपोर्ट से साफ है कि चीन अंदर ही अंदर किस हद तक डरा हुआ है। आज तक ब्यूरो। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है उसकी उत्पत्ति अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। अमेरिका जहां वुहान लैब में वायरस को जानबूझकर तैयार करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं चीन मीट बाजार की थ्योरी पर अड़ा हुआ है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अब तक करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को मारने वाले कोरोना वायरस की एंट्री हुई कैसे, उत्पत्ति हुई कैसे। जिस कोरोना वायरस ने दुनिया में 2.5 लाख लोगों की जान ले ली, दुनिया के सुपर पावर जिसके आगे सरेंडर करते दिखे, एक 190 से ज्यादा मुल्क जिसकी चपेट में है, आखिर वो कोरोना वायरस आया कहां से? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरी दुनिया को शीत युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। वुहान के मीट मार्केट से जिस बीमारी के पैदा होने की खबरें आई थी, चमगादड़ को जिसका जनक माना जा रहा था, वक्त के साथ थ्योरी बदलने लगी। कोरोना की बीमारी जब चीन से दुनिया में फैली तो अटकलें जैविक हथियार की लगने लगी। कहानी वुहान के जानवरों पर सर्च करने वाली लैब तक पहुंच गई और अमेरिका चीन दोनों एक दूसरे पर कोरोना वायरस बनाए जाने का आरोप लगाने लगे। ट्रंप ने खुलकर कहा कि उनके पास सबूत है कि कोरोना को वुहान की लैब में ही तैयार किया गया है। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. ट्रंप के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने साफ किया कि अमेरिका के पास चीन के खिलाफ पूरे सबूत हैं। उधर कोरोना को लेकर लगातार चीन का पक्ष ले रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर अमेरिका के आरोपों को सिरे से नकार दिया। WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रयान ने कहा कि वायरस के वुहान के लैब में बनने से जुड़ा कोई सबूत या डेटा नहीं मिला, ये अमेरिका की कोरी कल्पनाएं हैं। ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से ना तो इन सबूतों को पेश किया है और ना ही WHO को दिया है, इसलिए हमारे हिसाब से यह केवल अटकलबाजी है। किसी भी साक्ष्य आधारित संगठन की तरह हम ऐसी किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो वायरस की उत्पत्ति को लेकर दावा करता हो। वुहान की लैब लगातार अमेरिका के टारगेट पर है। इस बीच दुनिया में बैट वुमन नाम से कुख्यात हो चुकी चीन की शीर्ष वायरोलॉजिस्ट शी झेंगली के गायब होने की खबरें सामने आई। हालांकि शी झेंगली ने सामने आकर अमेरिका की थ्योरी को सिरे से नकार दिया। शी झेंगली का कहना है कि वुहान की लैब में कुछ भी गलत नहीं हुआ। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो पोम्पियो को विकृत मानसिकता का कह डाला। अखबार ने अमेरिका की थ्योरी को बिना तथ्यों का बताया। पोम्पियो झूठ बोलकर एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना चाहते हैं। पहले तो वो नवंबर में ट्रंप को दोबारा जितवाने में सहायता करने की उम्मीद रखते हैं और दूसरा ये कि वो सोशलिस्ट चीन से नफरत करते हैं और चीन की प्रगति स्वीकार नहीं कर सकते। बहरहाल कोरोना को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने है। चीन लगातार कोरोना के चमगादड़ से फैलने का दावा कर रहा है तो अमेरिका के निशाने पर वुहान लैब है। ये अभी भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर कोरोना आया कहां से जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। आज तक ब्यूरो।